गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, यानी किस प्रकार से हम एक विद्यालय स्तर पर सूचनाओं का और उनके अभिलेखों को किस प्रकार से एक प्रबंधित तरीके से उनको रख सकते हैं, या हमने बात की थी कौन कौन से प्रकार के आपके अभिलेख हो सकते हैं एक विद्यालय स्तर पर, प्लस हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम उन सूचनाओं और अभिलेखों को एक विद्यालय स्तर पर साफ़ सुथरा रख सकते हैं या उनको मेंटेन कर सकते हैं, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हम रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं जिससे हमें कभी भी उनके बारे में कोई भी सूचना चाहिए हो तो वो हमें तुरंत उस चीज़ के बारे में अवगत करा दें। हमने कुछ प्रकार भी पढ़े थे आपके अभिलेख के, कुछ जनरल पढ़े थे हमने। आज हम उन्हीं प्रकारों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आपके जो अभिलेख हैं विद्यालय स्तर पर वे कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि विद्यालय में आपके विभिन्न प्रकार के अभिलेख होते हैं और वे अभिलेख क्या हैं, किसी भी विद्यालय के बारे में आपको पूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं, प्लस वहाँ का जो भी समुदाय होता है चाहे वो शिक्षा विभाग हो आपका, सबको क्या है उस स्कूल के बारे में पूर्ण विस्तृत जानकारी उन्हीं अभिलेखों के माध्यम से पता चलती है। तो सबसे पहले जैसा हमने प्रीवियस भी बात की थी आपका अध्यापक उपस्थिति पंजिका, यानी जो भी हमारा विद्यालय में टीचर पढ़ा रहा है चाहे वो अध्यापक हो चाहे वो अध्यापिका हो, उसकी उपस्थिति का भी एक रजिस्टर होता है जो आपका डे बाय डे मेंटेन होता है, यानी आपका कौन सा टीचर प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो इस रजिस्टर में आपके मेंटेन किया जाता है। सेकंड अगर बात करें छात्र उपस्थिति पंजिका, यानी इस रजिस्टर में आपका क्या है, जो भी हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं क्लास वाइज, तो उनकी उपस्थिति पंजिका भी अलग अलग क्लास वाइज बनाई जाती है जिससे हमें डेली ये पता चले कि हर क्लास में कितने बच्चे आए हैं या कितने एब्सेंट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस सूचना के आधार पर जो बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में तो उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, कुछ जागरूक कार्यक्रम चला सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे क्या हो, जो बच्चे एब्सेंट हैं या रेगुलर बेसिस पर नहीं आ रहे हैं तो वो भी क्या है स्कूल में आना शुरू करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे पत्र व्यवहार पंजिका। यहाँ पर पत्र व्यवहार पंजिका का क्या है, यानी जैसे हमें पता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कभी भी शिक्षा विभाग से आते हैं या कुछ चीज़ें हम खुद पत्रों के माध्यम से या कुछ डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से शिक्षा विभाग तक चीज़ें पहुंचाते हैं, तो ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके, पत्र व्यवहार। तो इन्हें भी एक रजिस्टर में क्या है उनको भी रखा जाता है, यानी जितने भी प्रकार के आपके बिल होते हैं या अलग अलग जो भी शिक्षा विभाग से आपकी अलग अलग दिशा निर्देश दिए जाते हैं पत्रों के माध्यम से, तो उनको भी एक संकलित रूप में इस पत्र व्यवहार पंजिका में रखे जाते हैं। तो जैसा हम देख लेते हैं कि आपकी पत्र व्यवहार पंजिका को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसा पहला हम कह सकते हैं शिक्षा विभाग के परिपत्रक एवं आदेशों का रजिस्टर, यानी पत्र व्यवहार का जो रजिस्टर है उनको भी हम कई अलग अलग भागों में बांट सकते हैं जिससे हमें क्या है कभी भी सूचनाओं को देखना हो या पढ़ना हो तो हम क्या है आसानी से उन चीज़ों को देख और पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इस आपके रजिस्टर में जो भी दिशा निर्देश हों चाहे आपके अलग अलग पत्र हों जो आपके शिक्षा विभाग से आए होते हैं तो उनको केवल इस रजिस्टर में रखा जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर इस रजिस्टर में जो भी आपके शिक्षा विभाग से कोई पत्र आया है या कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं तो वही केवल आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अध्यापकों के अवकाश का रजिस्टर, यानी अध्यापक क्या हैं, अगर वो कोई अवकाश लेते हैं तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी हुई होती है या उन्होंने कोई आपके एक एप्लीकेशन के रूप में पत्र दिए होते हैं तो उनका संकलन क्या है आपके अध्यापक अवकाश रजिस्टर में किया जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर हर टीचर ने कितने दिन का अवकाश लिया था या उसका क्या रीज़न था, तो उन एप्लीकेशन के माध्यम से हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाहर से आने वाले एवं बाहर भेजे जाने वाले पत्रों के रजिस्टर, यानी कुछ क्या होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि जैसे शिक्षा विभाग है कोई भी पत्र देता है या कोई भी आदेश दिशा निर्देश देता है पत्रों के माध्यम से,
तो उनका रजिस्टर अलग बना होता है कि किस दिन कौन सा आपके दिशा निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया था, वो उसमें सारी एंट्रीज फिल की जाती हैं, प्लस कौन से हमारे विद्यालय द्वारा अलग अलग जगहों पर, या हम कहते हैं कि ब्लॉक स्तर पे कह सकते हैं या जिला स्तर पे कह सकते हैं, या हम कहते हैं शिक्षा विभाग को हमने कौन कौन से पत्र व्यवहार भेजे थे, उनके लिए भी एक अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने पर्टिकुलर हर दिन या किस किस दिन में कौन सा पत्र व्यवहार भेजा था और कहाँ पर भेजा था, तो उसकी भी सारी डिटेलिंग इन रजिस्टर पे कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं चपरासी पुस्तिका, यानी जो भी हमारे विद्यालय में कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी कोई भी हो सकता है, स्वीपर हो सकता है या अन्य कर्मचारी हो सकते हैं, जिन्होंने क्या है कोई भी वो पत्र लेकर आए हैं या वो लेकर गए हैं, तो उनकी भी क्या होती है एक रजिस्टर बनाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि पर्टिकुलर किस कर्मचारी ने वो पत्र लेकर गया था या वो लेकर आया था, तो कह सकते हैं कि वो उसके लिए उत्तरदायी होगा अगर उसमें कुछ भी गलतियाँ होती हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो पर्टिकुलर हम उससे जान सकते हैं या पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम SMC आय पंजिका। SMC आय पंजिका को हम ये भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपका विद्यालय स्तर पर चीज़ों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, SMC बेसिकली उसके लिए काम करती है। और SMC के आपके जो अध्यक्ष और सचिव होते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं, आपके ग्राम प्रधान हो सकते हैं, और आपके सचिव हो सकते हैं विद्यालय के जो भी प्रधान अध्यापक होते हैं, तो SMC आय व्यय पंजिका में क्या होता है, यानी जो भी चीज़ें, यानी SMC के जो भी एक अहरित धन राशि दी जाती है आपकी विद्यालय के लिए, यानी जो हमारा प्राथमिक विद्यालय होता है उसके लिए 5,000 अनुदान देती है, और जो हमारा कह सकते हैं आपका पूर्व माध्यमिक विद्यालय होता है उसके लिए 7,000 रुपये धनराशि दी जाती है, यानी SMC क्या करता है, जो भी आय व्यय पंजिका बनाई जाती है उसमें ये सारी डिटेलिंग होती है कि किस प्रकार से जो भी धनराशि दी गई है पर्टिकुलर एक विद्यालय के लिए, जिसका अध्यक्ष और सचिव क्या हैं, दोनों संयुक्त रूप से अलग अलग चीज़ों के लिए, जो भी अलग अलग विद्यालय स्तर पर जो भी काम होने हैं या जो भी चीज़ें कराई गई हैं उनके लिए किस प्रकार से धन व्यय किया गया है, उन सारी चीज़ों की डिटेलिंग आपकी इस पंजिका में लिखी जाती है। जैसे अगर हम कहें कि वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, तो चौक हो सकते हैं, डस्टर हो सकते हैं, यानी आपकी अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन कॉपीज़ हो सकती हैं, पेपर्स हो सकते हैं, फोटोकॉपी जो भी कराई गई होती हैं वो हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के चार्ट्स हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, या धागा हो सकता है कॉपी को बांधने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए किस प्रकार से और कब कब धन व्यय किया गया है, उन चीज़ों का भी रिकॉर्ड आपके SMC आय व्यय पंजिका में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका। ग्राम शिक्षा निधि यानी आपके जो भी आपका गांव है, या कह सकते हैं जो भी ग्राम है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका में, यानी आपकी जो ग्राम समिति होती है उस स्तर पर कह सकते हैं कि आपके जो भी प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान कह सकते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं, और आपके प्रधानाध्यापक क्या होते हैं, इसके सचिव होते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो भी आय व्यय, यानी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी विद्यालय स्तर के लिए जो भी अनुदान दिए जाते हैं आपके, तो ग्राम स्तर पर कह सकते हैं कि उनका जो भी अकाउंट होता है वो संयुक्त रूप से हो सकता होता है, यानी कह सकते हैं जो आपका ग्राम प्रधान होता है प्लस स्कूल का जो भी प्रधानाध्यापक होता है उसका एक ज्वाइंट अकाउंट होता है, और दोनों के हस्ताक्षर से ही क्या है वो जो भी आपकी धनराशि होती है उसको हम ले सकते हैं, यानी किसी एक के हस्ताक्षर करने पर वो धनराशि किसी को भी नहीं मिलती है, जब तक दोनों की सहमति नहीं होती है तब तक वो धनराशि हम नहीं ले सकते हैं, तो उस धनराशि का भी आपके एक उपयोग है, यानी किस प्रकार से आपका जो विद्यालय का प्रबंधन है, यानी भौतिक चीज़ें हैं, चाहे आपकी बिल्डिंग की मरम्मत करानी हो, चाहे वहाँ की पुताई करानी हो, चाहे वहाँ की कलरिंग करानी हो, यानी वहाँ के एक विद्यालय स्तर पर जो भी उसकी साक सज्जा का कार्य हो उसको पूर्ण करने के लिए ये धनराशि दी जाती है, और उसी के लिए क्या है आपकी
ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय की पंजिका बनाई जाती है, जिसमें किस प्रकार से आपने यानी प्रधानाध्यापक और आपके ग्राम प्रधान की उपस्थिति में किस प्रकार से उन चीज़ों का व्यय किया गया है या क्या क्या चीज़ें कराई गई हैं, उन चीज़ों का पूरा ब्यौरा इसमें होता है। प्लस इसमें आपके ग्राम प्रधान का और आपके जो सचिव हैं प्रधानाध्यापक, उन दोनों के संयुक्त रूप से इसमें साइन भी कराए जाते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि दोनों की सहमति से ही क्या हुआ है, किसी भी चीज़ में जो भी व्यय हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मातृ शिक्षक संघ पंजिका। मातृ शिक्षक संघ यानी हम कह सकते हैं जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में 15 से 20 आपके जो भी छात्र होते हैं उनकी जो भी माताएं होती हैं, उन सभी की माताएं यानी हम कह सकते हैं उनकी माँ होती हैं, तो वो सभी क्या होती हैं, इस संघ में उनको मेंबर बनाया जाता है। और प्लस इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, यानी मातृ शिक्षक संघ क्यों बनाया जाता है, अगर हम कहें तो मातृ शिक्षक संघ बनाने का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से जो भी बच्चे, क्योंकि हम कहते हैं कि एक माँ क्या है, अपने बच्चे को बहुत भली भांति पूर्वक जानती है, यानी बच्चा अच्छा है बुरा है या उसकी आदतें कैसी हैं ये माँ से अच्छा कोई और नहीं जान सकता। इसीलिए क्या है, मातृ शिक्षक संघ बनाए जाते हैं आपके विद्यालय स्तर पर, जिससे जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनको किस प्रकार से उनकी माताओं को समझाया जाए कि पढ़ाई की क्या महत्ता है, या उनको किस प्रकार से जागरूक किया जाए कि वो अपने बच्चे को स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। प्लस क्या है, अपने आसपास रहने वाली और माताओं को भी जागरूक करें। प्लस कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनकी माताओं को जागरूक किया जाए कि वो अपने बच्चों को साफ़ सुथरी ड्रेस में भेजें। इसके लिए आपके मातृ शिक्षक संघ समिति बनाई जाती है और उन सभी 15 से 20 जो आपकी माएँ होती हैं उनकी इस रजिस्टर पे आपके सिग्नेचर कराए जाते हैं। समय समय पर जो भी आपकी बैठकें होती हैं, कब कब हुई और उनमें क्या क्या चर्चाएं हुई, उन सब का ब्यौरा भी आपके मातृ शिक्षक संघ पंजिका में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका यानी आपके ग्राम स्तर पर, या हम कहते हैं अलग अलग जो हमारी ग्राम सभाएं होती हैं उस स्तर पर आपकी क्या है, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कराई जाती है। इस बैठक में भी हम कह सकते हैं कि जो आपका अध्यक्ष होता है वो हमारा ग्राम प्रधान होता है और इसका सचिव आपका प्रधानाध्यापक होता है। प्लस इसमें जो भी प्राथमिक स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं यानी तीन जो आपके बच्चे होंगे उनके संरक्षक हो सकते हैं या उनके अभिभावक हो सकते हैं, और इन तीन अभिभावकों या संरक्षक में एक महिला होना आवश्यक है। तो यानी इन तीन लोग, यानी पहला हम कह सकते हैं अध्यक्ष जो हमारा ग्राम प्रधान था, दूसरा हम कह सकते हैं सचिव जो हमारा प्रधानाध्यापक था स्कूल का, तीसरा कह सकते हैं तीन बच्चों के आपके संरक्षक या अभिभावक जिनमें से एक महिला का होना आवश्यक है, इन सब से मिलकर एक ग्राम शिक्षा समिति की बैठक बनाई जाती है। और ये क्या है, आपकी ग्राम समिति के स्तर पर बनाई जाती हैं, आपकी जो भी ग्राम समितियां हैं या कह सकते हैं ग्राम सभा के स्तर पर बनाई जाती हैं, जिनमें क्या है अलग अलग चीज़ों के बारे में बैठकें होती हैं कि किस प्रकार से जो भी आपका विद्यालय है उसमें और ज़्यादा जो भी चाहे भौतिक संसाधन हो सकते हैं उनको किस प्रकार से और ज़्यादा मुहैया कराया जा सके, या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से विद्यालय में और ज़्यादा कौन से उपकरण होने चाहिए, चाहे वो नवीन उपकरण हो उनका उपयोग कैसे टीचर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में, उनसे संबंधित चर्चाएं हो सकती है, या हम कह सकते हैं किस प्रकार से जो भी आपके प्राथमिक विद्यालय हैं उनका निरीक्षण करना, यानी वहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं उनका भलीभांति उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो भी आपकी बिल्डिंग है वो भली भांति पूर्वक है या नहीं, वहाँ पे भौतिक संसाधन उपयुक्त रूप से हैं या नहीं, इन चीज़ों पे क्या होता है चर्चाएं और परिचर्चाएं होती हैं। प्लस जो भी ये लोग निरीक्षण करते हैं या जो भी आपके ग्राम सभा स्तर पर ये सभी लोग बैठकें करते हैं तो उन सभी विषयों की रिपोर्ट भी क्या है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देना भी आपके ग्राम शिक्षा समिति बैठक का उत्तरदायी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सभाएं होती रहती हैं तो इसकी भी एक पंजिका बना दी जाती है जिसमें आपके चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे वो सचिव हों या हम कह सकते हैं जो वो अभिभावक या संरक्षक हों उनके भी सम्मिलित रूप से इसमें साइन करवाए जाते हैं।
प्लस कह सकते हैं कि समय समय पर जो भी चर्चाएं होती हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो निरीक्षण के पक्ष को लेकर हो, चाहे विभिन्न प्रकार के आपके भौतिक उपकरणों को लेकर हो, उन सब की रिपोर्ट भी आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दी जाती है, जिससे उन्हें भी पता चलता है कि हर एक ग्राम सभा स्तर पर कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है और किस प्रकार से सारी चीज़ें भली भांति पूर्वक चल रही हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, विभिन्न प्रकार के हमारे जो भी अभिलेख हो सकते हैं एक विद्यालय स्तर पर, वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में हमने आज विस्तृत जानकारी ली। थैंक यू क्लास।